हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है गांव के रास्तों से, जो कि हम जा रहे हैं गोपेश्वर की ओर, कुछ काम है। तो मैं दिखाते हैं रास्ते के नज़ारे वगैरह। ये अपना पूरा पिंडर घाटी वाला इलाका है। कंटेंट बेस्ड ब्लॉग में एक ही दिक्कत है कि आपको कंटेंट का वेट करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि मतलब तुम्हें देखना पड़ता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है जो तुम पब्लिक को दिखा सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इसलिए डेली ब्लॉग्स मैं बना नहीं पा रहा हूँ, कभी कभी बना पा रहा हूँ, क्योंकि जब कभी इधर उधर आना जाना हो रहा है तो कोशिश यही रहेगी कि यार तुम लोगों से ज़्यादा जुड़ सकूँ। अभी मैं हूँ गाँव के रास्ते पर जो कि मार्केट में उतरता है। पूरा 2-2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है जो गांव से यहाँ नीचे मार्केट तक आता है। इस बीच पूरा जंगल है, देख सकते हो एकदम से घनघोर वाला। बस यहाँ डर ये है कि कभी कभी जंगली जानवर दिख जाते हैं, जैसे भालू या बाघ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलूँ, क्योंकि अकेले हूँ, डर भी लग रहा है कि कहीं कोई जंगली जानवर रास्ते में ना मिल जाए। तो ये जो पूरा व्यू देख रहे हो आप, ये सारा है, ये पूरा गोपेश्वर टाउन है। वैसे आधा दिख रहा है, ये है आपका नीचे सौरा फील्ड से लेकर जो उधर पार्क है ये वो वाला इलाका है, और मंदिर के आसपास का। और ये रहा आपका स्टेडियम। और अब तो अभी जस्ट काम निपट चुका है तो मैं निकल रहा हूँ घर की ओर। ये देख सकते हो, और ये है आधा हिस्सा जो कि इधर है हॉस्पिटल, ये नीचे वाला एरिया दिख रहा है, हॉस्पिटल और पुलिस लाइन जो है। और यहाँ पे ये नीचे जो गाड़ियाँ दिख रही है करंट बैग स्टैंड, यहाँ से हम लेंगे गाड़ी। और हम अब निकल चुके हैं करंट बैग से भी आगे, क्योंकि हमें यहाँ बस मिल गई थी, आज गाड़ियाँ नहीं थी, हमने कहा चलो आज बस का सफ़र करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक बाय बाय।